السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک. تو جناب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف، سیٹنگ اپ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی. اور اس اسٹیپ پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ورچوئلائزیشن کا میں آپ کو اوور ویو دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جنہیں ورچوئلائزیشن کے حوالے سے آئیڈیا نہیں ہے. तो होता ये है कि जो हमारा एक जनरल आर्किटेक्चर है कंप्यूटर्स का, वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास हार्डवेयर होता है, लाइक जैसा कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी वगैरह का हार्डवेयर है ना, उस हार्डवेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. जैसे आपने विंडोज इंस्टॉल कर ली, लिनक्स इंस्टॉल कर ली, या लाइक मैक ओएस है, ओएस एक्स. तो उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उनको यूज करते हैं. ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या करती है? ये जनरल वर्चुअलाइजेशन की बात हो रही है. वर्चुअलाइजेशन ये करती है कि आपके हार्डवेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देती है, जिसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन की लेयर. वर्चुअलाइजेशन की लेयर बैकएंड पे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही होती है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उस वर्चुअलाइजेशन की लेयर पे डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं. हर वर्चुअल मशीन पे रेलेवेंट ओएस इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर ऐप इंस्टॉल करते हैं. तो ये जो आपका ये वाली एरिया था ना, ये सारा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मूव हो जाएगा. लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में आपके एक हार्डवेयर के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आ रही होती थी. वर्चुअलाइजेशन में आपके ओएस और हार्डवेयर के बीच भी चूंकि वर्चुअलाइजेशन की लेयर आ जाती है, तो वर्चुअलाइजेशन की लेयर हर ओएस को यही बताती है कि तुम ही हो. तुम ही हो से क्या मुराद है? कि इस हार्डवेयर पे तुम ही रन कर रहे हो, तुम ही ऑपरेट कर रहे हो, तुम्हें फुल एक्सेस है इस हार्डवेयर का. एक्चुअली उस ओएस को हार्डवेयर पे एक्सेस नहीं होता, उसको वर्चुअल लेयर के ऊपर एक्सेस होता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम एक ही हार्डवेयर को मल्टीपल ओएसएस के लिए, मल्टीपल मशीन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे फायदे क्या होते हैं? जो हमारा जनरली हार्डवेयर होता है वो उसकी यूटिलाइजेशन की जो परसेंटेज है ना, वो 20-25% एवरेज होती है 24 आवर्स में. ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे ना देखें ना, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने अपनी वेबसाइट या अपनी कोई एप्लीकेशन चलानी है. तो हम सपोज करते हैं कि एक सादी सी एप्लीकेशन है जिसको एक डेटाबेस सर्वर चाहिए और एक वेब सर्वर चाहिए. अब क्या होगा कि इस कंपनी को दो हार्डवेयर लेने पड़ेंगे. एक हार्डवेयर के ऊपर वो ओएस इंस्टॉल करके उस पर डेटाबेस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगी, जो भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो लिनक्स इंस्टॉल करके उसके ऊपर ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल कर लेती है, और देन एक और ओएस, मतलब एक और कंप्यूटर लेके उसके ऊपर वो इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन सर्वर. ठीक है, यानी कि ओएस इंस्टॉल करते हैं और ओएस इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर सपोज अपाची इंस्टॉल कर लेते हैं. तो अब आपकी ये दोनों मशीनें चल रही हैं, लेकिन जाहिर है जब यूजर आएगा तो वो पहले अपाची के पास आएगा. अपाची उसकी क्यूरीज को फॉरवर्ड करेगी डेटाबेस सर्वर वाले कंप्यूटर के ऊपर, वहां से उसकी क्यूरी इवेल्युएट होंगी, डाटा आएगा और अपाची उस डाटा को फॉर्मेट करके एंड यूजर को भिजवा देगा. अब दोनों मशीनें आधी आधी यूज हो रही है. यूजर का लोड जब आता है तो वो थोड़ा सा लोड आता है वेब सर्वर पे और थोड़ा सा लोड आता है डेटाबेस सर्वर पे. तो मशीनें हैं अंडर यूटिलाइज्ड. ठीक है, खर्चा भी डबल रहा है. आपने दो सर्वर परचेज किए तो आपको दो सर्वर की पेमेंट करनी पड़ी. लेकिन अगर आप क्या करें कि आप एक सर्वर परचेज करें, सपोज करते हैं कि $1000 का एक सर्वर आ रहा है, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी $2000, जो कि अंडर यूटिलाइज है. लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसी सेटअप को वर्चुअलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा कि आप मशीन ए खरीदेंगे तो आपके $2000 की जगह $1000 खर्चा आया. उसके ऊपर आप वर्चुअलाइजेशन लेयर इंस्टॉल करेंगे और फिर उस वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर दो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेंगे. एक वर्चुअल मशीन में ओरेकल इंस्टॉल करेंगे, एक वर्चुअल मशीन में वेब सर्वर के लिए लाइक जो भी अपाची था वो इंस्टॉल कर लेंगे. ठीक है, अब वो दोनों मशीनें जनरली आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट मशीनें लग रही होंगी. जब आप वर्चुअल मशीन में लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बिल्कुल सेम 100% उसी तरह है जिस तरह से मैंने अलग अलग सर्वर पे इंस्टॉल की हुई थी.
उसी तरह से आप अलग अलग उनके आईपी क्रिएट करेंगे, उनकी आपस में कम्युनिकेशन सेटअप, ऑथेंटिकेशन वगैरह सेटअप करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यूजर आएगा तो एक ही सर्वर है, लेकिन वो चूंकि आईपी देगा वेब सर्वर का, तो वेब सर्वर में पहुंच जाएगा और वहां जाके अपनी क्यूरी रेस करेगा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल ये डाटा चाहिए। तो अब क्या होगा कि जो वेब सर्वर वाली मशीन है सर्वर की मशीन से, जो कि उसी हार्डवेयर पे चल रही है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा कि वो उसकी क्यूरी के जवाब में जो भी डेटा वेटा आना है वो फेच करेगा और अपाची सर्वर को भिजवा देगा, अपाची सर्वर उसको फॉर्मेट करेगा और यूजर को क्यूरी भिजवा देगा। लेकिन ये सारे काम अब हो कहाँ पे रहे हैं, आपके एक ही फिजिकल हार्डवेयर पे हो रहे हैं, इसमें उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगी ना, डबल होगी, ठीक है। तो इससे हमारी कॉस्ट बेनिफिट भी हुआ कि हमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट जो थी $2,000 दो मशीनों की जगह $1,000 लगे, एक मशीन खरीदनी पड़ी फिजिकल, और प्लस अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से जाहिर है जब मशीन आप चलाएंगे तो वो बिजली तो उतनी ले रही होगी, बाकी रिसोर्सेस उतनी ले रही होगी, ठीक है। तो दो मशीनें चलेंगी तो ज्यादा बिजली का कंजम्पशन होगी, जब एक मशीन चल रही होगी तो बिजली कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, लेकिन वो एक मशीन यूटिलाइज ज्यादा हो रही है। अब यूजर की दोनों प्रोसेसेस जो हैं, अपाची वाला भी और डेटाबेस वाला भी, दोनों एक ही मशीन की हार्डवेयर पे रन हो रहे हैं, तो उससे फायदा क्या हुआ कि आपको यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी इम्प्रूव हो गई और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कम होगी। तो ये जनरली वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट होता है। अच्छा, जो हम यूज करेंगे ना यहाँ अपने इस काम के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी बेस ओएस को विंडोज ही रखना चाह रहे हैं और वर्चुअल मशीन में ये इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम जो यूज करेंगे वो काइंड ऑफ ए डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है। ये जो प्रोफेशनल प्रोडक्शन लेवल की वर्चुअलाइजेशन होती है उससे थोड़ा सा अलग है। ये जो भी हमारे सामने तस्वीर नजर आ रही है, ये कंसेप्ट जो है ये प्रोडक्शन लेवल के ऊपर प्रोफेशनल वर्चुअलाइजेशन का है। हम क्या करेंगे, हमारा ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर वाली पिक वाले हिस्से को देखें, हमारा उसी तरह से हार्डवेयर होगा लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसके ऊपर हमारा ओएस इंस्टॉल होगा जो कि इस सूरत में हमारा बेस ओएस विंडोज है, इस पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, ठीक है। इन एप्लीकेशंस में से जिसमें ऑफिस इंस्टॉल है, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है और नोटपैड इंस्टॉल है, पेंट इंस्टॉल है, वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल है, इसी के साथ हम एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे जो हमें वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे, तो हम बहुत सारी एप्स की तरह एक ऐप इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स ये करेगी कि बाकी एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह चलती रहेंगी, वर्चुअल बॉक्स अपने अंदर ही एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर क्रिएट करके हमें एक सिनेरियो प्रोवाइड करेगी कि हम उस एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट मशीन्स बना सकें, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो हमारा जो होगा, हमारे यहाँ यहाँ पे एप्लीकेशन है और इन एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन एरिया आ जाएगा जो कि हमें फिर इस सिनेरियो की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये वाली। तो ये जो वर्चुअल लेयर और इसके ऊपर ये ओएस वाला स्क्रीन है ना, ये उठ के यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन के हेड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। कैसे आ जाएंगी वो भी मैं आगे दिखाता हूँ। तो जनाब, यहाँ इस कोर्स के हवाले से हम वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि प्रोडक्ट है ओरेकल, और इसको आप डाउनलोड कर सकेंगे virtualbox.org की वेबसाइट पे जाके। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आप VMware कंपनी का ये जो वर्चुअल बॉक्स है ओरेकल का है ना, तो आप VMware कंपनी का VMware वर्क स्टेशन भी इस हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज्यादा फीचर रखता है बनिस्बत वर्चुअल बॉक्स के, मगर वो पेड प्रोडक्ट है। आपको कुछ दिनों का ट्रायल तो मिल जाएगा लेकिन उसके बाद ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा और देन आपको उनसे उसकी की वगैरह परचेज करनी पड़ती है। जबकि ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है ये है फ्री फॉर आपके यूजेज, तो इस वजह से हम वर्चुअल बॉक्स को भी यूज करेंगे और ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी अगली प्रोसीडिंग होगी इस लेक्चर के इस पार्ट में वो ये होगी कि हम सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे अपनी जो विंडोज की मशीन है इसके ऊपर, और उसके बाद एक नई वर्चुअल मशीन इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो इन सब एस्पेक्ट्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम डेमो की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। ओके फाइन जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। हम प्रोसीड करते हैं अपने डेमो की तरफ।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप www.virtualbox.org पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये तकरीबन 105 MB के अप्रोक्सीमेटली इसका डाउनलोड होगा, 100 MB आप अप्रोक्सीमेटली सर्वर कर लें तो 100 MB का ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर लेंगे वर्चुअल बॉक्स की साइट से। उसके बाद आप उस इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आपको शो करेगा और देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखें जी, मैंने डबल क्लिक कर दिया अपने विंडोज कंप्यूटर के ऊपर इसके जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था, तो अब ये कुछ ऑप्शंस हमसे पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग ये वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर देगा हमारे कंप्यूटर पे। तो ये वेलकम स्क्रीन आ गई हमारे इस वर्चुअल बॉक्स के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलर की आफ्टर डबल क्लिकिंग ऑन दैट इंस्टॉलर। हम नेक्स्ट करते हैं और अगली विंडो आ जाती है, लेट मी शेयर माय डेस्कटॉप ताकि आप लोगों को इसकी जितनी भी विंडोज हैं वो आसानी नजर आ सके। जी, तो ये हमसे पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस को ये जो वर्चुअल बॉक्स आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेगा तो आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वेल, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि मैं स्टार्ट मेन्यू पे शॉर्टकट क्रिएट करूं कि ना करूं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करूं कि ना करूं, क्विक लॉन्च पर पे करूं कि ना करूं, और जो फाइल है वो एसोसिएट करूं वर्चुअल बॉक्स के साथ कि नहीं। तो आप इन चारों ऑप्शंस को चेक कर देंगे अनलेस आप जानते ना हो कि अनचेक करने से क्या चेंज आएगी इसकी इंस्टॉलेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा है कि ये इंस्टॉलेशन जो है ये आपके नेटवर्क को रीसेट करेगा और थोड़ी देर के लिए आप नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक इसलिए कि मैं तो भी आपको डेमो दे रहा हूँ ना, तो एनीवे आपने यहाँ पे ऐसे करना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये नई फाइल्स कॉपी करेगा और लाइक सम मिनट्स के बाद ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि भी आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि इसने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का एक आइकॉन मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन जरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होने के बाद इसने कहा कि अगर आप फिनिश करें और साथ ही इसको स्टार्ट भी कर दें ओरेकल वर्चुअल बॉक्स 6.12 को, तो जनाब मैं फिलहाल इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ ऑप्शन को, फिनिश करता हूँ और फिनिश करने के बाद मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जो इसकी आइकॉन आ गई है, इस आइकॉन के थ्रू मैं डबल क्लिक करके इसको वर्चुअल बॉक्स के सॉफ्टवेयर को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें कि ये हमारे सामने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेरी कुछ ऑलरेडी मशीन्स पड़ी हुई हैं, इन मशीन को फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि। तो जनाब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जब आप फर्स्ट टाइम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, तो ये इंटरफेस है वर्चुअल बॉक्स का। अच्छा, अब हो ये गया है कि हमारे कंप्यूटर पे एक ऐप इंस्टॉल हो गई है जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स, और उस ऐप
के अंदर हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है कि हम नई वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। वर्चुअल मशीन क्या होंगी, आपके कंप्यूटर के अंदर ही वर्चुअल कंप्यूटर्स होंगे। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम नई वर्चुअल मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम यहाँ ये न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आइकॉन नजर आ रही है न्यू, हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ ऑप्शन बॉक्स लेकर आएगा जिसमें वो हमसे उस मशीन के बारे में डिटेल्स लेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं नई। उसने सबसे पहले पूछा कि आप उस मशीन का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो आप जो भी मशीन नई बनाना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम कर दें। हम फॉर एग्जाम्पल इस मशीन के ऊपर लुबंटू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम इसका नाम रख देंगे लुबंटू। ठीक हो गया, आप इसका नाम रख सकते हैं एम्बेडेड रस्ट, डेवलपमेंट मशीन, व्हाटएवर, जो आपका दिल चाह रहा है अपना नाम रख दें, कोई मसला नहीं। तो आप इस मशीन को कोई नाम दे देंगे। फिर ये पूछ रहा है कि इस मशीन का फोल्डर कहाँ पे होगा, इस मशीन की जो फाइल्स होंगी ये कहाँ पे जाकर बननी चाहिए। तो हम इसको कोई पाथ बता दिया, आप इसको जो भी रेलिवेंट पाथ जहाँ पे मशीन की फाइल्स रखना चाह रहे हैं वो बता दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इस मशीन में आप कौन सा ओएस इंस्टॉल करने का इरादा रखते हैं। ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ रही है ओएस की, इसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन दे रहे हैं कि लिनक्स है, विंडोज है, सोलारिस है, बीएसडी, आईबीएम, मैक ओएस या अदर। तो हम चूंकि इस मशीन को लिनक्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इस मशीन की टाइप हम लिनक्स रखेंगे। और लिनक्स में पूछ रहा है कि 32 बिट हो, 64 बिट हो और कौन सी वाली हो। ये देखें, ये भी मैं आपको यहाँ से चेंज करके बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करेंगे ना तो मैं विंडोज के ऑप्शन दे देगा कि विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 2008 है, विंडोज 7 है, इवन आके विंडोज 10 आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपसे ना जो आप यहाँ टाइप में ओएस सेलेक्ट करेंगे ना तो ये रेलेवेंट उससे रेलेवेंट जितने भी ओएस है, जैसे अगर मैंने लिनक्स सेलेक्ट किया है तो उसमें रेड हैट, ओपन सूजी, टर्बो लिनक्स, उबंटू और इस तरह करके काफी सारे लिनक्स के नाम दे रहा है। और इससे फायदा क्या होगा, फेडोरा और लिनक्स। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि ये आपकी मशीन को ऑप्टिमाइज कर लेता है रेलेवेंट ओएस और रेलेवेंट टाइप के फ्लेवर के हिसाब से। तो चूंकि हमने यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल करने की और उसके ऊपर ऑल्दो हमने लुबंटू इंस्टॉल करना है, बट लुबंटू इज बैकएंड पे वो सेम लाइक युबंटू है, सिर्फ फर्क क्या है कि युबंटू में जीनोम का फ्रंट एंड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज होता है जो कि थोड़ा सा हैवी है, उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और रैम वगैरह के वाले से रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है। तो हम ये लुबंटू यूज करेंगे जिसका फ्रंट एंड बड़ा लाइट वेट है, और वर्चुअलाइजेशन में आपको पता है लाइट वेट जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी वर्चुअलाइजेशन की परफॉर्मेंस सही रहेगी, आपको इशू फील नहीं होगा, लैग्स फील नहीं होंगे। इस वजह से हमने लुबंटू को चूज किया है जो कि बैक एंड के ऊपर 100% लुबंटू यूज। तो हमने टाइप इसकी उबंटू सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया। ये पूछ रहा है कि आप इस मशीन को कितनी रैम देना चाहेंगे। ठीक है, और ये बता रहा है कि आपकी जो रिकमेंडेड मेमोरी साइज है वो 1024 MB है, और मैक्सिमम आप फिर जहां तक ले जाना चाहें। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर तो आपकी मशीन है 4 GB रैम रखती तो आप यहाँ पे 2 GB इसको इस मशीन को मेमोरी एलोकेट करते हैं। और अगर आपकी 8 GB रैम वाली लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो देन आप इसको वर्चुअल मशीन को, ये जो लिनक्स वाली है, इसको 4 GB रैम एलोकेट कर दें। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो रेड लाइन नजर आ रही है ना, ये बता रही है कि आप मैक्सिमम कितनी एलोकेट कर सकते हैं। तो जहां पे रेड एंड हो रही है, तो मेरे इस कंप्यूटर में टोटल जो रैम है वो है 4 GB, तो ये मुझे 4 GB दिखा रहा है जो मैं मैक्सिमम एंड तक एलोकेट कर सकता हूँ। और ग्रीन का मतलब और रेड का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आप इतनी रैम तो आराम से एलोकेट कर दें, कोई इशू नहीं होगा, इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी अपनी मेन मशीन की परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेन मशीन को रन करने के भी रैम वैम चाहिए होती है ना। तो मैं इसको एहतियातन, चूंकि मेरी टोटल रैम है 4 GB, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 GB यानी कि 1500 MB रैम की प्रोविजन दे रहा हूँ कि ये मशीन मेरे इस कंप्यूटर में इतनी रैम यूज कर सकती है मैक्सिमम।
जब मैं मशीन चलाऊंगा ना तो उस मशीन को ऐसा लगेगा ये इस लिनक्स को कि मैं कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो रही हूँ जिसकी रैम कितनी है 1500 MB, यानी कि 1500 MB उसके अंदर रैम लगी हुई है। ठीक है, तो ये अब आपके अपने मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी 8 GB वाली मशीन है तो आप इसको 4 1 GB रैम दे दीजिए, अगर आपकी 4 GB वाली मशीन है तो आप इसको 2 GB दे सकते हैं। मैं इस वक्त इसलिए नहीं दे रहा कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेसेस अलग से चल रहे हैं, यहाँ पर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग के लिए अलग से कैप्चरिंग हो रही है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग अलग चल रही होगी, फिर ये जो मेरी ऑडियो है वो अलग जा रही है, तो इसकी वजह से मैं 2 GB रैम इसको नहीं दे रहा, बिकॉज फिर वो जो मेरी रिकॉर्डिंग एक्टिविटीज और वो सारी एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उसको मैं चाहता हूँ 1500 GB, 1500 MB रैम दे रहा हूँ। आप 4 GB वाली अगर आपके पास मशीन है तो आप इजिली इसको 2 GB रैम एलोकेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो रैम स्पेसिफाई करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि इस मशीन को हार्ड डिस्क कितनी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक तो हार्ड डिस्क का साइज कितना, तो वो कह रहे हैं रिकमेंडेड 10 GB है, लेकिन आप लोगों ने अपने इस काम के लिए एम्बेडेड सिस्टम के हवाले से कम से कम 50 GB, और बेहतर है कि 100 GB रैम आप इसको एलोकेट करें इस मशीन को, हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क का जो साइज है वो आप 100 GB एलोकेट करें इसको, रैम नहीं, सॉरी। उसकी वजह ये है कि हम इस मशीन पे ना सिर्फ लिनक्स इंस्टॉल करेंगे बल्कि रस इंस्टॉल होगी और फिर उसके रिलेटेड रिलेटेड टूल्स इंस्टॉल होंगे और आगे जाके मजीद कुछ सर्वर ऐड हो जाएंगे। तो आपने इसका कम से कम साइज 50 GB रखना, और बेहतर तो ये है फॉर द सेफ साइड आप इसको 100 GB डिस्क स्पेस एलोकेट करें। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ करके आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये आगे टाइप पूछ रहे हैं, और टाइप में ये कह रहा है कि आपने VDI टाइप की डिस्क बनानी है, VHD वाली बनानी है या VMDK वाली बनानी है। तो हम इसके डिफॉल्ट सेक्शन के ऊपर ही आगे चले जाते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन पूछ रहा है कि स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, इसका मतलब ये है कि आप देखिए ना, अब आपने फॉर में मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप कम से कम 50 GB दें या 100 GB दे दें, बेहतर है। तो वो 100 GB या 50 GB हमारी आज यूटिलाइज तो नहीं होगी, आज हम सिर्फ लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो 5 GB यूज होगी, 4 GB, कल हम उस पे रस इंस्टॉल करेंगे तो चलें कोई 1 GB और यूज हो जाएगी, अगले वीक में हम उस पे एम्बेडेड टूल्स इंस्टॉल करेंगे तो 1 GB और यूज हो जाएगी, फिर कुछ सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो 4-5 GB और यूज हो जाएगी, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। ये नहीं होगा कि आज के आज ही हमें 50 GB 100 GB की स्पेस की यूटिलाइजेशन है। तो अभी हमसे दो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि मैं आपकी हार्ड डिस्क जो आपने जो भी साइज दी है मैक्सिमम 50 GB दी है, 100 GB दी है, वट एवर, वो मैं डायनेमिकली एलोकेट करता जाऊँ कि अपने पास कैपेसिटी तो उस मशीन की नोट कर लूँ कि 100 GB है, 50 GB है, बट वो सारी की सारी 50 GB एलोकेट ना कर दूँ हार्ड डिस्क के ऊपर। मैं क्या करूं कि मैं जूं जूं आपको जरूरत पड़ती रहती है कि जूं जूं आप इंस्टॉलेशन करते रहते हैं साथ साथ उतनी उतनी हार्ड डिस्क की स्पेस एलोकेट करता रहूं, या सारी की सारी आज ही एलोकेट कर दूं फिक्स साइज करके। तो इसमें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप सारी आज ही एलोकेट कर देते हैं तो उसके लिए फिक्स साइज के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये सारी की सारी हार्ड डिस्क आज ही एलोकेट कर देगा, लेकिन वो फिर यूटिलाइज नहीं हो रही होगी। जाहिर है आपकी अगर 6 महीने बाद जाके 100 GB की रिक्वायरमेंट बनती है तो आपने आज ही 100 GB रैम या सॉरी डिस्क जो है अपने पास फंसा कर बैठ जाएंगे जगह एलोकेट करके। अगर आप डायनेमिक एलोकेट करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा कि ग्रेजुअली जो जो आपका स्टोरेज की रिक्वायरमेंट एक्सपेंड होगी मशीन के अंदर, तो साथ साथ ये उसका जो डिस्क की एलोकेशन है उसको एड अप करता चला जाएगा अप टिल मैक्सिमम जो आपने मेंशन की हुई है 50 GB 100 GB। तो हम यहाँ पे रिकमेंड ये करेंगे कि आप इसको डायनेमिकली एलोकेटेड वाले ऑप्शन में सेट कर लें। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क की स्पेस पड़ी हुई है, आपके कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है और आप कहते हैं यार 100 GB अगर ये आज ही एलोकेट कर भी लेते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको फिक्स साइज के ऊपर लेके जा सकते हैं। इससे फवायद क्या हासिल होंगे, फवायद ये हासिल होते हैं कि जब आप डायनेमिकली एलोकेटेड रखते हैं और जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं ना तो बीच में उसको देखते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो करेगा ये कि वो 2-2 GB के चंक्स में ना ये ऐड करना शुरू करेगा, तो होगा ये कि जब आप पहली बार मशीन बनाएंगे तो 2 GB
डिस्क एलोकेट कर देगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए एल्गोरिथम यूज होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, उसको सपोज कर लेते हैं कि उसने 2-2 GB के चंक्स में ऐड करने। अब क्या होगा कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे ना, तो जो ही उसकी 2 GB खत्म होने वाली होगी ना, तो वो 2 GB और ऐड कर लेगा, तो वो फिर गैप आएगा बीच में, थोड़ा सा लैग आएगा, मतलब उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ चंद सेकेंड्स लगेंगे, 30 सेकेंड लग जाएंगे कि जब वो अपनी नई डिस्क एलोकेशन करेगा, 2 GB और जगह कैप्चर करेगा, लेकिन उसमें वो थोड़ा सा डिले आता है। तो फिक्स साइज अगर आप कर देते हैं तो 100 GB आज ही फिक्स कर लेगा, सारी को एलोकेट भी कर लेगा, और फिर ड्यूरिंग आपकी फर्दर वर्किंग आपको कहीं पे भी कोई लैग फील नहीं होगा, आपकी डिस्क जो है ये मशीन जो है स्मूथली चलती रहेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायनेमिकली एलोकेट करवाना चाह रहे हैं अपने डिस्क की एलोकेशंस को, या फिक्स साइज करके आज ही सारी की सारी जो आपने उसको वो ऑप्शन दी है वो एलोकेट करवाना चाह रहे हैं। हम इसको डायनेमिकली एलोकेटेड लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप इससे साइज की वेरिएशन करवा रहे हैं, डिफॉल्ट में उसने लाइक आपको दिया हुआ है 10 GB, आप 100 करना चाहते हैं, यहाँ पे 100 कर दें तो ये 100 GB पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर आपके पास डिस्क स्पेस एनफ है, आपने इसको 100 GB रखना है, अदरवाइज कम अज कम आपने इसको 50 GB स्पेस जरूर देनी है फॉर द सेक ऑफ एम्बेडेड की डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट के सेटअप के लिए, ठीक है। जो अगर आप ये मशीन किसी और मकसद के लिए बना रहे हैं तो ये फिर डिपेंड करता है आपकी अपनी उस रिक्वायरमेंट के ऊपर कि जिसके लिए आप ये मशीन बनाना चाह रहे हैं। एम्बेडेड के हवाले से या इस कोर्स के हवाले से आपने कम अज कम 50 GB डिस्क स्पेस एलोकेट करनी है, और रिकमेंडेड तो ये कि आप 100 GB कर दीजिए, ठीक है। मैं चूंकि अपनी बेस मशीन पे काम करता रहूंगा ग्रेजुअली आगे जाके, तो इसलिए फिलहाल मैं इसको इसके डिफॉल्ट ऑप्शन 10 GB के साथ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने क्योंकि आपने ये जो मशीन अगर आप बना रहे हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हवाले से सेट कर रहे हैं, तो आपने इसको कम अज कम 50 या 100 GB जरूर एलोकेट करना। तो साइज देने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो इसने ये देखें ये मशीन क्रिएट कर दी और आपके सामने इसके स्पेक्स बता रहा है कि इसका नेम है लुबंटू, ऑपरेटिंग सिस्टम लुबंटू 64-bit है, इसकी बेस मेमोरी 1500 MB है, इसका बूट ऑर्डर जो है वो फ्लॉपी है, देन ऑप्टिकल है, फिर हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ये वर्चुअलाइजेशन की एक्सेलरेशन इनेबल्ड है, इसका डिस्प्ले का अडॉप्टर की सेटिंग उसने ये कर दी है, ठीक है। इसी तरह स्टोरेज की कैपेसिटी 10 GB की एक डिस्क है, आपके यहाँ पे 50 GB 100 GB जो आपने लिए वो आ रहा होगा, ऑप्टिकल डिस्क है, इसके अंदर वर्चुअल लगी हुई ऑप्टिकल डिस्क से मुराद ये कि वो जो CD ROM ड्राइव होती है वो लगी हुई है। इसी तरह ऑडियो का सेटअप बता रहा है, नेटवर्क का बता रहा है, USB के हवाले से सेटिंग्स बता रहा है और मजीद डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपके सामने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे बंद करते हैं, बंद हो गया, दोबारा चलाते हैं, दोबारा चल के देखें हमारी मशीन वहीं की वहीं है, सही। अच्छा, अब ये जो मशीन बनी है ना बिल्कुल ब्लैंक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फैक्ट्री में एक कंप्यूटर तैयार होकर आता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उस पर कोई OS वगैरह इंस्टॉल नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें OS इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो OS इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी वो डिवाइस, इसके ऊपर आपने OS इंस्टॉल करना है, और प्लस उस OS का सोर्स, उस OS की CD, उस OS की DVD या उस OS का सेटअप इन USB, ठीक है, जहां से आप उस सेटअप को रन करेंगे तो OS इंस्टॉल होना शुरू होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वैसे लेक्चर के अगले पार्ट में है, लिनक्स इंस्टॉलेशन का भी पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि अगर आप वर्चुअल बॉक्स में कोई और OS इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कोई विंडो या व्हाटएवर, तो आप क्या करेंगे कि उस OS की जो बूटेबल DVD है उसका ISO इमेज डाउनलोड करेंगे। ये अमूमन जो OS की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे डाउनलोड करें तो ISO फॉर्मेट में आपको एक बड़ी सी फाइल डाउनलोड करके देता है। जैसा कि हम यहाँ पे लुबंटू इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो लुबंटू का जो OS है, लुबंटू की साइट पे जाएं, वहाँ उससे कहें डाउनलोड लुबंटू, या लुबंटू की साइट पे जाएं और उससे कहें कि डाउनलोड युबंटू, या रेड हैट की साइट पे जाएं, या CentOS की साइट पे जाएं, वहाँ पे जाकर कहें कि डाउनलोड द रेलेवेंट OS, या विंडोज़ की साइट पे जाएं तो वहाँ पे जाके विंडोज़ को डाउनलोड करने लगे तो आपको ISO फाइल डाउनलोड करके देगा, एक फाइल डाउनलोड करके देगा जिसका नाम कुछ भी होगा, विंडो होगा, CentOS होगा, युबंटू होगा, लुबंटू होगा, एंड में उसके .ISO लगा होगा, ठीक है। तो ISO फाइल जो होती है वो काइंड ऑफ एक DVD टाइप की फाइल होती है, ठीक है, उसके अंदर उस OS की DVD
का सेटअप होता है। तो यहाँ पे हम वो जो फाइल है उसको इसकी वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क यानी कि वर्चुअल डीवीडी रोम में लगा देंगे। जैसे हम अपने कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव खोलकर उसमें किसी ओएस की डीवीडी या सीडी डालते हैं ना, सेम वे हम यहाँ पे वर्चुअली उस ओएस फाइल को इस वर्चुअल मशीन की वर्चुअल डीवीडी ड्राइव के अंदर डाल देंगे। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी एक्टिविटी कि हम यहाँ स्टोरेज में होंगे। स्टोरेज में ये देखें आ रहा है ऑप्टिकल ड्राइव एम्प्टी, ठीक है, ये एक वर्चुअल ऑप्टिकल ड्राइव है और इसके आगे लिखा हुआ है एम्प्टी। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि चूज अ डिस्क फाइल और क्रिएट अ डिस्क इमेज। तो हम कहते हैं कि चूज अ डिस्क फाइल, कि मैं एक डिस्क की फाइल को चूज करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है जनाब, ये मैंने Lubuntu की वेबसाइट पे जाकर वहां से Lubuntu का जो लेटेस्ट वेरिएंट है 20.04 जो कि आज से 2 माह पहले रिलीज हुआ था, इसको मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है और यहाँ पे जाके मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने किया क्या कि मैंने ये अपना वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर खोला और खोलने के बाद मैं यहाँ स्टोरेज में आया। स्टोरेज में आके मैं यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसे कहा कि चूज दिस फाइल, और चूज दिस फाइल करने के बाद मैंने जब इस वाली ISO फाइल को जो कि मैंने Lubuntu की वेबसाइट से डाउनलोड की थी इसको चूज किया और ओके कर दिया, तो ये देखें अब ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर ये बता रहा है कि ये वाली फाइल माउंट हो गई है। तो इसको वर्चुअली जब मैं कंप्यूटर या ये मशीन चलाऊंगा तो इसको ऐसे लगेगा कि इसके अंदर एक डीवीडी ड्राइव लगी हुई है वर्चुअली और उसके अंदर किसी ने ये वाली डीवीडी Lubuntu की डीवीडी डाली हुई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके अब हमारी जो वर्चुअल मशीन है ये Lubuntu की इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल रेडी है और इस इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करने के लिए हमें इस मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा और इस मशीन को हम स्टार्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस स्टार्ट आइकॉन। ये देखें मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट की आइकॉन दबा रहा हूँ, इसने एक प्रोसेस रन करना शुरू किया है वर्चुअल मशीन के हवाले से। और ये देखें मेरे सामने एक और विंडो खुल गई है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रही होगी। और ये देखें यहाँ पे इसने ये एक वर्चुअल कंप्यूटर मेरे इस विंडो के अंदर बना दिए, ठीक है। और इसके अंदर जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, कि आप देखें मैं स्क्रीन में इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये उस विंडो के अंदर एक वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल कंप्यूटर रन हो गया और उसके अंदर अब मेरी एक पूरा ओएस या उसकी इंस्टॉलेशन का सेटअप चलना शुरू हो गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इंग्लिश सेट करके लैंग्वेज, तो ये देखें ये Lubuntu का सेटअप स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन है जैसी अगर आप अपने कंप्यूटर के फिजिकल लैपटॉप की डीवीडी रोम में Lubuntu की डीवीडी रख के उसके बाद इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और डीवीडी से बूट करें तो बिल्कुल आपके सामने यही वाली स्क्रीन आ रही होगी जैसी कि अब आपके सामने आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो यहां से ऑनवर्ड हम Lubuntu की या किसी भी ओएस की इंस्टॉलेशन अपनी इस वर्चुअल मशीन में स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या रहा है कि मेरे पास एक ही पूरा बेस कंप्यूटर है जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल हुई हुई है, फिर इस बेस कंप्यूटर में मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम था Oracle वर्चुअल बॉक्स। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की और उस मशीन को जब रन किया तो उसने मेरे कंप्यूटर के अंदर ही एक और कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा कंप्यूटर है और इसके ऊपर मैं अब इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर सकता हूं। तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज यहाँ से ऑनवर्ड जो इंस्टॉलेशन है वो अब हम अगले वीक प्रोसीड करेंगे और अगले वीक हमें वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अपनी बेस मशीन में Lubuntu या लिनक्स का कोई और फ्लेवर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं
और ऐसे लोग जो कि वर्चुअल मशीन वाले ऑप्शन पे जाना चाह रहे हैं, वो अपनी बेस मशीन पे विंडोज ही रखना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी आज के लेक्चर के थ्रू अपनी बेस मशीन के ऊपर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया है, वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, और उन्होंने सीख लिया है कि उस के अंदर यानी कि अपने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर के अंदर एक नई वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, उसको डिफरेंट तरह की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे करते हैं, और उसके बाद उस मशीन में इंस्टॉलेशन के लिए वर्चुअल डीवीडी रोम कैसे माउंट करके इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है, इस स्टेप के ऊपर आके हमारी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीक में इसकी लिनक्स इंस्टॉलेशन और देन फिर उसके रस्ट के इंस्टॉलेशन, उसके टूल्स की इंस्टॉलेशन करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम अगले वीक इंशाल्लाह यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। जी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है जनाब, मिलते हैं फिर अगले वीक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।